हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक व्हील है, ठीक है, जिस पे ए बी सी डी और ए लिखा है। आपसे कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पॉइंटर है डी पे जाके रुकेगा। तो बेटा सबसे पहले जानिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी बेटा होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और नीचे आता है बेटा टोटल आउटकम्स, ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब ये फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या, जो हम चाहते हैं उसका होना, वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, ये जो पॉइंटर है बेटा डी पे आ जाए। अब बेटा इस व्हील पे डी कितनी बार लिखा है, तो एक ही बार लिखा है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, एक हो गए, तो ये हो गया वन, ठीक है। अब नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो बेटा नीचे क्या जाएगा, 5। इस तरह से बच्चों आपसे पूछी गई प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है ताश के 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं बेटा, 52 कार्ड्स। इसमें से बच्चों एक कार्ड निकाला जाता है और आपसे कहा वह एस होना चाहिए, मतलब इक्का होना चाहिए, तो आपको बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो वही बात, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आता है टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले टोटल आउटकम्स देख लेते, टोटल कितने कितने हैं, 52 है, तो टोटल आउटकम्स तो आपको पता चल गए 52, ठीक है। अब बेटा फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। आपसे क्या कहा, आपसे कहा 52 पत्तों में से 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, उसका एस होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इक्का होने की प्रायिकता बतानी है। अब बच्चों ताश के 52 पत्तों में एस या इक्के होते कितने हैं, तो बेटा वह होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, ये आ गई प्रोबेबिलिटी 4/52। आप इसे सिंपलेस्ट बना सकते हैं, बना देते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल कर दो, ऊपर 2 और नीचे बेटा 26 आ गया, और 2 के टेबल से कैंसिल करो, ऊपर 1 और नीचे 13 आ गया, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। अब बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में आगे कहा है, आपको बेटा ये फिगर दे रखा है, आपसे कहा है इसमें से यदि एप्पल निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है वह रेड कलर का होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले पता कर लेते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं, मतलब टोटल एप्पल कितने हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा टोटल आउटकम्स हो गए 7। अब हमें कौन सा एप्पल चाहिए, रेड कलर का, तो आप देखिए रेड कलर के एप्पल है कितने, 1 2 3 4 4 एप्पल है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब हम जो चाह रहे हैं वो एप्पल कितने हैं, तो वो कितने निकले बेटा 4। इस तरह से बच्चों आपसे पूछी गई प्रोबेबिलिटी 4/7 है। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।